नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में सामान्य अंतर हम देखेंगे, सरल अंतर सरल बिंदुओं पर, और उसमें भी हम एक ट्रिक का यूज़ कर लेंगे और सरल तरीके से उसको देखेंगे। ट्रिक हमारी रहेगी एक भारी सामान्य ताप पर रेडियो नियंत्रण। तो क्या है नाभिकीय विखंडन और संलयन में अंतर, आप ट्रिक को दिमाग में रखिएगा। एक भारी सामान्य ताप पर रेडियो नियंत्रण, और इसमें क्या होता है कि इस तरीके से एक जो भारी परमाणु होता है वो यूरेनियम प्लूटोनियम या थोरियम का हो सकता है, और उसके नाभिक को निम्न ऊर्जा के न्यूट्रॉन से जब हम बमबारी कराते हैं तो बमबारी कराने पर वो दो हल्के नाभिकों में तोड़ा जा सकता है। तो ये जो प्रक्रिया है इसको हम कहेंगे नाभिकीय विखंडन। तो ये इसमें हमने ये समझा कि एक भारी जो परमाणु है या नाभिक है वो दो हल्के परमाणुओं में टूट जाता है, और साथ ही इसमें ये प्रक्रिया सामान्य ताप पर संभव है, मतलब इसमें बहुत मिलियन कोटि की अति उच्च ताप की आवश्यकता नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि सामान्य ताप पर संभव है। साथ ही इसको इसमें जो पदार्थ होते हैं जो हम लेते हैं यूज़ करते हैं वो रेडियोधर्मी होते हैं, जैसे मैंने कहा अभी यूरेनियम प्लूटोनियम या थोरियम ऐसे पदार्थ इसमें होते हैं। और दूसरा इसे इस एक और बात रहेगी कि इसको नियंत्रित किया जा सकता है, मतलब ये है कि इसमें अगर आप नाभिकीय संयंत्र में इसको यूज़ करते हैं तो नियंत्रित दर पर आप इससे ऊर्जा ले सकते हैं, और इस मुक्त ऊर्जा का उपयोग आप भाप बनाकर विद्युत उत्पन्न करने में भी कर सकते हैं। तो जो नाभिकीय विखंडन है उसका जो कारण है वो ये है कि ये जो मूल नाभिक होता है, इस मूल नाभिक का जो द्रव्यमान है, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये व्यष्टिगत जो उत्पाद हैं इनके द्रव्यमानों के योग से क्या होता है, ज़्यादा होता है, मतलब मूल नाभिक का द्रव्यमान ज़्यादा है और ये जो उत्पाद हैं इनका जो द्रव्यमान है उसका योग क्या है, कम है। तो ये जो द्रव्यमानों का अंतर है ये इस ऊर्जा का कारण है, जिसे हम आइंस्टीन समीकरण से भी E=mc² से बताते हैं। तो नाभिकीय विखंडन में हमने समझा कि इसमें एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में विभक्त हो जाता है, तो हमने भी ट्रिक में कहा भी था एक भारी, तो एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में विभक्त हो जाता है, और यह प्रक्रिया सामान्य ताप पर संभव है। तो एक भारी सामान्य ताप है ना, तो एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में विभक्त हो जाता है और यह प्रक्रिया सामान्य ताप पर संभव है। इससे हम परमाणु बम वगैरह जो बनते हैं वो भी इसमें नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया पर आधारित है, और जो विखंडनीय पदार्थ हैं वो रेडियोधर्मी होते हैं, हमने अभी देखा है ना, यहाँ भी हम लिखा हुआ है अभी यूरेनियम जो है। तो एक भारी सामान्य ताप पर रेडियो है ना, ये हमारी ट्रिक थी, एक भारी सामान्य ताप पर रेडियो, ठीक है, तो विखंडनीय पदार्थ रेडियोधर्मी होते हैं। और चौथी बात हम इसमें कह सकते हैं कि अब इस प्रक्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है, तो इसको कंट्रोल हम कर सकते हैं नाभिकीय ऊर्जा के लिए, नाभिकीय संयंत्र में हम इसको कंट्रोल करके इस एनर्जी का यूज़ भी करते हैं। तो एक भारी सामान्य ताप पर रेडियो नियंत्रण से हम ये पॉइंट्स याद रख सकते हैं। इसके बाद में एक और प्रक्रिया है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में क्या होता है कि इसमें ये सूर्य और तारों की जो सूर्य और जो विशाल बहुत बड़े बड़े तारे जो दूरस्थ स्थित हैं उनकी जो एनर्जी या ऊर्जा का स्रोत है वो ये नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया ही है। इसमें क्या होता है कि इसमें मूल नाभिकों के जो इसमें जो उत्पाद होगा उस उत्पाद का जो द्रव्यमान होगा वो कम होगा, और जो मूल नाभिकों के व्यष्टिगत द्रव्यमानों का योग होगा वो ज़्यादा होगा, मतलब कुल मिलाकर ये इधर वाली वैल्यूज़ ज़्यादा रहती है, ये हमें ध्यान रखना है। मतलब जो जो मूल रूप से जो क्रिया करते हैं या मूल रूप से जो यहाँ इस तरफ होता है क्रियाकारक में उसका द्रव्यमान ज़्यादा होता है और उत्पाद में द्रव्यमान कम होता है। यहाँ भी क्रियाकारक में ज़्यादा होगा उत्पाद में कम होगा, लेकिन यहाँ दो हल्के नाभिक जुड़कर एक भारी नाभिक बनाएंगे और यहाँ एक भारी नाभिक टूटकर दो हल्के नाभिक बनाता है, ये इसमें फर्क आ जाता है। इसमें सामान्यतः हाइड्रोजन और हीलियम के जो या तो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन के समस्थानिक जो भी होते हैं उनसे हीलियम को उत्पन्न किया जाता है सामान्य रूप से नाभिकीय संलयन में।
तो ये देखिए नाभिक की शयन की प्रक्रिया को हम देख रहे हैं, एक नाभिक और ये दूसरा नाभिक, और ये इस तरीके से ये नाभिक के संलयन की प्रक्रिया में दो हल्के नाभिकों ने जुड़कर एक भारी नाभिक बनाया। और इसमें ये इस प्रक्रिया के बारे में हम कह सकते हैं कि ये इसमें अति उच्च ताप की आवश्यकता होती है नाभिकों को संलयित करने में, और साथ ही इसमें जो इसको हम कह रहे हैं कि इसमें अति उच्च ताप की आवश्यकता होती है, मतलब कि अत्यधिक ऊर्जा जिसको हम कहते हैं, मतलब मिलियन कोटि केल्विन ताप और मिलियन कोटि पास्कल दाब पर यह प्रक्रिया होती है। और इसमें जो जुड़ने वाले जो नाभिक होते हैं वो रेडियोधर्मी नहीं होते हैं, है ना, जिसे अभी हमने कहा कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के समस्थानिक जुड़ेंगे और हीलियम बनाएंगे, तो वो रेडियोधर्मी नहीं। तो ये और इसको इस प्रक्रिया को कंट्रोल करना या नियंत्रित करना क्या है, कठिन है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो मूल रूप से अंतर है वो यही है, एक भारी सामान्य ताप पर रेडियो नियंत्रण, इससे हम यहाँ कर सकते हैं कि इसमें एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में विभक्त हो जाता है, और यहाँ हम लिखेंगे कि इसमें दो हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं। बिल्कुल इसके ठीक विपरीत, दो हल्के संयुक्त होकर एक भारी बनाएंगे और एक भारी टूट कर दो हल्के बनाएगा, और हम कहेंगे ये प्रक्रिया अति उच्च ताप पर संभव है, अति उच्च ताप और अति उच्च दाब दोनों। और जो विखंडनीय पदार्थ है वो इसमें विखंडनीय पदार्थ रेडियोधर्मी होते थे, जिसमें संलयन करने वाले पदार्थ रेडियोधर्मी नहीं होते हैं, और इस प्रक्रिया को जो नियंत्रित करना बड़ा क्या है, कठिन है, बहुत कठिन है। और ये हाइड्रोजन बम इसी टेक्निक पर बेस्ड होते हैं। तो इस तरीके से नाभिकीय संलयन और विखंडन में अंतर को हम देख सकते हैं।